गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके से सॉफ्ट येलो टोन में फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके। तो गाइज आप भी कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो वीडियो के एंड में आप 100% कुछ इस टाइप से एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले आपको जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को आपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एडिटिंग के लिए ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 20% रखना है प्लस में, ठीक है। और यहाँ से आपको हाइलाइट्स को डिक्रीज कर लेना है और डिक्रीज करके माइनस में आपको 73% रख लेना है माइनस में, ठीक है। और शेडोज को यहाँ से आपको हल्का सा इंक्रीज कर लेना है प्लस में 13%। और यहाँ से आपको व्हाइट्स को इंक्रीज कर लेना है प्लस में 10%, ठीक है। और यहाँ से आपको ब्लैक्स को डिक्रीज करके माइनस में आपको 41% कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कलर वाले टूल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टेम्परेचर को आपको इंक्रीज कर लेना है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके प्लस में आपको 30% कर लेना है। टीन को यहाँ से डिक्रीज करके माइनस में आपको 20% के अराउंड रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 20% रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से वेवलेंथ को इंक्रीज कर लेंगे 30 के अराउंड, तो 30% आपको रख लेना है प्लस में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिक्स टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले आपको लास्ट वाले कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैजेंटा कलर को, ठीक है। और यहाँ से आपको सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है। एंगेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा ह्यू, तो ह्यू को भी आपको डिक्रीज कर लेना है। एंगेज यहाँ से लुमिनस को भी हल्का सा डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको पर्पल कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका भी सैचुरेशन आपको डिक्रीज करके माइनस में आपको 100 कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसका भी सैचुरेशन आपको डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है। नेक्स्ट एक और ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे एंड गाइस यहाँ पे इसका भी सैचुरेशन डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेंगे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन चारों कलर का यूज़ करके हम जो कलर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ग्रीन कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सैचुरेशन को फुल इंक्रीज करके 100 कर लेना है। और एंडगेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा ह्यू, ठीक है। तो ह्यू को आपको डिक्रीज करना है और डिक्रीज करके यहाँ से आपको माइनस में 83% रख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से लुमिनस को आपको हल्का सा डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज करके माइनस में आपको 29% कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सैचुरेशन मिल जाएगा, तो इसको आपको फुल डिक्रीज करके माइनस में 100 कर देना है। यहाँ पे आपको ह्यू को भी पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है। और यहाँ पे मिल जाएगा लुमिनस, तो लुमिनस को भी हल्का सा डिक्रीज कर लेंगे हम 30 के राउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑरेंज वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करके माइनस में आपको क्या करना है, 40 के राउंड रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लुमिनस को आपको इंक्रीज कर लेना है और इंक्रीज करके यहाँ से आपको 30% रख लेना है प्लस में। उसके बाद यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन आपको इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करके यहाँ से आपको 76% रख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ह्यू की वैल्यू जो है कम कर लेना है यहाँ पे, और माइनस में आपको 45% कर लेना है। और लुमिनस की वैल्यू यहाँ पे आपको इंक्रीज कर लेना है 38%। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मिक्स टूल के साइड में एक ग्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सबसे नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग को आपको फुल इंक्रीज करके 100 कर देना है। और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस को भी यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। बैलेंस को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 35% कर लेना है। एंगेज यहाँ पे लुमिनस को डिक्रीज करना है और डिक्रीज करके माइनस में आपको 41% कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिडटोन्स को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको बीच से पकड़ के हल्का सा यहाँ पे आपको ब्लू के साइड में कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको हाईलाइट्स को सिलेक्ट कर लेना है जो थर्ड नंबर पे, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हल्का सा पकड़ के यहाँ पे ब्लू के साइड में आपको ना कर देना है पकड़ के बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आपको डन कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद टेक्स्चर को यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना प्लस में 10% और क्लियरिटी को यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना माइनस में 12%। और यहाँ पे आप अगर डीएच, तो डीएच को यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना प्लस में 20%, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अमाउंट को आपको कम कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा आपको कम करना है, माइनस में आपको 15% रख लेना है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको मिड टोन्स, तो मिड सॉरी यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट को आपको डिक्रीज करके माइनस में यहाँ पे आपको रखना है 19%। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से अमाउंट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 44%। और यहाँ से मास्किंग को भी इंक्रीज कर लेंगे
उसके बाद यहाँ पे नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉइज रिडक्शन को आपको फुल इन कर देना है, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके 28% कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे कलर नॉइज पे क्लिक करके कलर नॉइज रिडक्शन को आपको इंक्रीज कर लेना 17%, और यहाँ से आपको स्मूथनेस को फुल 100 कर देना है। स्मूथनेस को फुल 100 करते ही आपके फेस फुल HD क्वालिटी में स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग डिटेल्स को ऐड जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आप फोटो को देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, फोटो हमारी एडिट हो चुकी है फुल HD क्वालिटी में, ठीक है। तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक करते आपकी फोटो फुल HD क्वालिटी में गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।